तो दोस्तों, अगर आपका वीडियो में 10 या 15 व्यू आके रुक जाता है, इसका मतलब ये है कि आपका वीडियो जो है सही ऑडियंस तक पहुंचता ही नहीं। अगर आपका वीडियो सही ऑडियंस तक पहुंचेगा ही नहीं, तो आपका वीडियो में व्यूज कैसे आएगा? आपका वीडियो लोग कैसे देखेगा? आपका वीडियो तो सही ऑडियंस तक पहुँचता ही नहीं, ठीक है। आपका वीडियो को वायरल करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका वीडियो का टैग, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। अगर आपने इन तीनों चीज़ को सही से नहीं लगाया, तो आपका वीडियो कभी भी वायरल नहीं होगा और ना ही कभी भी फर्स्ट पेज में जाएगा। अगर आप चाहते हो कि किस तरह से आपका वीडियो को टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन सही से लगाए, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम सिखाएंगे कि आप किस तरह से सही से अपने वीडियो में टैग लगा सकते हो, सही से अपने वीडियो में टाइटल लगा सकते हो, सही से अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन लगा सकते हो। सो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सिखाएंगे कि किस तरह से आप सर्चेबल कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो और किस तरह से अपने वीडियो को फुल एसईओ कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर कम्प्लीटली बात करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। और अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग सबसे पहले ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद आपको सबसे पहले चले जाना क्रोम ब्राउजर में। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, आपको सर्च बार में सर्च करना है, यहाँ पे रैपिड टैग लिख के आपको सिंपली एक बार सर्च करना है। रैपिड टैग सर्च करने के बाद देख सकते हो, यहाँ पे ये वेबसाइट आ जाएगा ना, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सर्च बार आ जाएगा। तो इस सर्च बार में आपको क्या लिखना है मैं बता दे रहा हूँ। आप जिस कैटेगरी में वीडियो बनाते हो, आप ब्लॉगिंग का वीडियो बनाते हो, टेक कैटेगरी का वीडियो बनाते हो, या फिर कुकिंग का वीडियो बनाते हो, जिस कैटेगरी में आप वीडियो बनाते हो, आप गेमिंग वीडियो भी क्यों ना बनाते हो, ठीक है, उस कैटेगरी का आपको सर्च करना है। जैसे कि आप जिस कैटेगरी का वीडियो बनाते हो, उस कैटेगरी में सर्च करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपली सर्च कर लेता हूँ, माई फर्स्ट ब्लॉग लिख के यहाँ पे सिंपली मैं सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे सिंपली सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारा आपको टैग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और ये सब ट्रेंडिंग टैग है। जी हाँ दोस्तों, ये सब बहुत ही ट्रेंडिंग टैग है, और ये टैग आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा, ये एक अलग वेबसाइट है, और इस टैग को आप यहाँ से ही पाओगे। तो आपको क्या करना है, इस टैग यहाँ पे देख सकते हो, जितना सारा टैग है, इस सारे टैग को आपको क्या करना है, कॉपी करना है। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे कॉपी का जो ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कॉपी हो गया, उसके बाद आपको चला जाना है अपने नोट पैड में। अगर आपका मोबाइल पे नोट पैड नहीं है, तो आप बुक्स में भी लिख सकते हो पेन से, ठीक है, या फिर आप स्क्रीन शॉट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, नोट पैड में चला जाना है। नोट पैड में जाने के बाद आपको क्या करना है, ये सारे टैग को आपको वहाँ पे पेस्ट करके रख देना है, सेव कर लेना, ठीक है। सेव करने के बाद आप जो वीडियो बना रहे हो ना, उस वीडियो के अंदर चला जाना है, वाई टी स्टूडियो के अंदर चला जाना है। तो मैं सिंपली वाई टी स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, मेरा ये जो वीडियो है फास्ट ब्लॉगिंग का वीडियो है, ये बहुत ही पुराना वीडियो है। इस वीडियो को मैं करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अच्छा सा व्यूज आया, देख सकते हो आप। तो क्या करना है, यहाँ पे टाइटल में सबसे पहले आपको टाइटल बना लेना है। तो मैं सिंपली चला जाऊँगा टेक्स्ट में, मतलब नोट पैड में चला जाऊँगा। जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, ये दो तीन टैग मैंने सिंपली यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे टाइटल बना, यहाँ से आप जो टैग आपको पसंद है वो टैग यहाँ पे उठा के आप नीचे टाइटल बना सकते हो। टाइटल बना लिया, टाइटल बनाने के बाद फिर से आपको चला जाना है वाईटी स्टूडियो में। वाईटी स्टूडियो में जाने के बाद आपको क्या करना है, टाइटल सेक्शन में ये टैग आपको पेस्ट कर देना है, जो टाइटल आपने बनाया अभी, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जो टैग आपने पेस्ट करके रखा था कॉपी करके, उस टैग को सारे यहाँ पे लेके आना है। लेके आने के बाद आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर देना है, वही टैग वही टाइटल। उसका बाद क्या करना है, यहाँ पे नीचे आपको देख सकते हो, यहाँ पे टैग का जो ऑप्शन मिलेगा, उस टैग के ऑप्शन के अंदर आपको जाना है। जाने के बाद क्या करना है, यही सारे टैग आपको कॉपी एक एक करके कॉपी करके यहाँ पे बिठाना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, मैंने सारे यहाँ पे बिठा लिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरह सबको बिठा लेना है सारे टैग, और फिर अपने वीडियो को सेव कर देना है। अगर आपका टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन अगर आपका सेम सेम है ना, सही है, अगर थोड़ा सा इधर उधर नहीं हुआ, तो आपका वीडियो सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन में जाएगा, आपका वीडियो सर्च करेगा तो लोग देखेगा। अगर कोई बंदा माई फर्स्ट ब्लॉग वीडियो लिख के सर्च करते, तो सबसे पहले आपका वीडियो जाने का चांस है। क्योंकि दोस्तों, मैंने यहाँ पे देख सकते हो, माई फर्स्ट ब्लॉग के नाम पे देख सकते हो कितना ज़्यादा व्यू छापा है। यहाँ पे देख सकते हो 2 लाख के ऊपर मेरा माई फर्स्ट ब्लॉग की वीडियो यहाँ पे देख सकते हो रैंकिंग किया। और अभी मेरा वीडियो जो है टेक कैटेगरी का बना, इसलिए व्यू थोड़ा सा डाउन चल गया, लेकिन बाद में मेरा व्यू भी ज़्यादा आ जाएगा। इसी तरह से आपका वीडियो भी वायरल कर सकते हो। अगर आपका वीडियो में टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन सही से हुआ, तो आपका वीडियो जल्दी से जल्दी वायरल होने का चांस है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन लगाना है। तो दोस्तों, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।